स्किन केयर जो है वो जस्ट हर्ब का है, कुछ भी बाहर से नहीं है। मैं सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करती हूँ उसको। मेनली मुझे डैंड्रफ प्रॉब्लम बहुत थी, इचिंग होती थी स्कैल्प में, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं और फिर मेरा कंप्लीट चेंज हो गया, पूरा डैंड्रफ खत्म हो गया, इचिंग बंद होगी, ग्रे हेयर जहां थे वहीं रुक गए, फर्दर ग्रे नहीं हुए। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम जस्ट हर्ब्स। So, hi and welcome to Honest Reviews with Just Herbs. I'm very excited to have with us today Hina Tandon, a long-standing Just Herbs customer from Panchkula. Hina, welcome. How are you doing? I'm fine. You say, sir? All good. All good. Thank you. So, Hina, थोड़ा अपने बारे में बताएं। आप क्या करती हैं? How old are you? Where do you live, etc. सर मैं 31 years की हूँ, student हूँ। Recently मैंने UGC NET का exam भी दिया है और मैं short term market में trade करती हूँ, stocks okay. में। Okay. और पंचकुला से हूँ, हम 30 years से यहीं रह रहे हैं। Awesome, great Hina. So Hina, tell me like आप Just Herbs products कितनी देर से use कर रही हैं? मैं use 2 years से कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले Instagram पे आपका crowdsourcing देखा lipstick का और मैंने अपना उसमें participate किया। फिर मेरे kit आ गई घर पे। I was very excited। मैंने उसे use किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया वो शैम्पू था, लश मेथी शिखर का शैम्पू। यस, आई हैव अ लॉट ऑफ फेवरेट प्रोडक्ट्स। मेरा पूरा स्किन केयर जस्ट हर्ब्स का है। मैं किम सुकादी ऑयल यूज करती हूँ और मेरे पास एज अ टोनर मैं रोज वाटर यूज करती हूँ और फेस वॉश भी मैं सिल्क स्प्लैश यूज करती हूँ। मेरा कुछ भी प्रोडक्ट बाहर से नहीं है। ट्वाइस अ वीक मैं अपना पेटल सॉफ्ट यूज करती हूँ। ये मैं पूरा रिजीम फॉलो करती हूँ। विंटर्स में मैं सिल्क स्किन, अब जैसे विंटर्स स्टार्ट होने वाली है तो मैं सिल्क स्किन यूज करूंगी आगे। So, आपको जस्ट हर्ब्स के बारे में कैसे मालूम पड़ा और मार्केट में अभी इतने ब्रांड्स हैं, 2019 में भी थे, अभी तो और भी आ गए हैं, जो हर कोई अपने आप को नेचुरल ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक बोलता है। हाउ व्हाई डिड यू पिक आसम एंड व्हाई जस्ट हर्ब्स एंड लाइक व्हाई नॉट समबडी एल्स? मैंने काफी नेचुरल ब्रांड्स यूज किए हैं तो मुझे वैसे कोई पहले उम्मीद नहीं थी कि इस ब्रांड में कुछ खास होगा। मैंने रैंडमली सोचा कि करके देखते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सबसे मुझे मेन ये प्रॉब्लम थी कि मेरे कर्ली हेयर हैं और किसी भी शैम्पू से कंट्रोल नहीं होता था, फ्रिज, बहुत फ्रिजी हेयर थे। तो जैसे ही मैंने ये लश शैम्पू यूज किया तो मुझे आफ्टर 5-6 वॉशेस मेरा फ्रिज काफी ठीक हो गया। फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, ठीक है ये वर्क कर रहा है। उसके बाद मैंने अपना कंडीशनर भी मंगवाया, वो भी यूज किया। ऑयल पे भी मैं शिफ्ट कर गई, मेरे पास जावा कुसुम हेयर ऑयल है और मैंने ये कंप्लीट सेट यूज किया तो मुझे बहुत फर्क लगा। मैं उस दिन से मैंने कोई और चीज यूज नहीं की। तो अभी आपका जो हेयर की सिचुएशन थी वो ये शैम्पूज और ये जितनी भी हेयर केयर रिजीम है जस्ट हर्ब्स की, ये यूज करने से पहले क्या थी और अब क्या है, आपने क्या डिफरेंसेस देखे? मेनली मुझे डैंड्रफ प्रॉब्लम बहुत थी, इचिंग होती थी स्कैल्प में, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं और फिर मेरा कंप्लीट चेंज हो गया, पूरा डैंड्रफ खत्म हो गया, इचिंग बंद होगी, ग्रे हेयर जहां थे वही रुक गए, फर्दर ग्रे नहीं हुए। इन 2 years में मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि एक्स्ट्रा ग्रे हेयर हुए। So if somebody is suffering from hair fall, what should be the Just Herbs regime they should be following according to you? According to me, unko hair oil use karna chahiye properly. Then hum neem wala shampoo ya fir lush, jo bhi achha lage wo use kare. And uske baad agar hum ye conditioner use karte hain, to aapko after 5-6 washes aapko difference lagega ki aapka hair fall kam ho gaya hai aur pehle se sab baal ठीक हो रहे हैं, सॉफ्ट भी हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैंड्रफ वाली सिचुएशन भी चली जाएगी 4-5 वॉशेस में। ओके, गॉट इट, दैट्स वेरी गुड टू नो हिना। एंड अभी 2 साल से आपने हमारे प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू करे हैं, थोड़ा सा बताएं उसके पहले आप क्या यूज कर रहे थे और आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी और इन प्रोडक्ट्स के बाद वो कैसे ठीक हुआ, मे बी अ लिटिल बिट इन डिटेल।
उससे पहले मैं स्किन केयर के लिए कुछ खास नहीं यूज कर रही थी, कुछ लग्जरी ब्रांड्स यूज कर रही थी। हेयर केयर में बताएं, हेयर केयर में व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वाज योर हेयर लाइक? माय हेयर वर रियली फ्रिजी कर्ली, मैं बहुत चेंज करके देखती रहती थी, काफी ब्रांड्स मैंने स्विच किए, मैं किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं थी। ग्रेट, ऑसम। Now tell me, what is your skincare regime like? You know, you like usually people say कि मेरे पास time नहीं होता skincare करने का, especially if I'm a working person. I mean, you are a working person. I think tell us what your skin type is. Tell us before Just Herbs what problems you were facing with your skin, and after using Just Herbs, how each product has helped you. Before Just Herbs, I was facing a lot of acne issues. I had huge acne on my face and basically I had open pores here and there. मेरा main concern था, मुझे कोई non-comedogenic product नहीं मिलता था, सब लिखने के लिए ही होता है non-comedogenic है, लेकिन वो products मेरे लिए work नहीं करते थे, मेरे pores block हो जाते थे, मैं कोई भी moisturizer लगाऊं होना ही होना है, तो मुझे basically कोई suit नहीं करता था। तो फिर मैंने यहाँ face wash से try किया था, ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं ग्रेजुअली, मैंने आपको बताया, मैंने पेटल सॉफ्ट भी ट्राई किया, टोनर, पेटल सॉफ्ट से मेरी स्किन काफी क्लियर हुई, दिस इज द बेस्ट। एंड देन मैंने मुलेठी जेल के साथ किम सुकादी ऑयल यूज करना शुरू किया, तो मेरा ऑयली स्किन बैलेंस हो गया। आफ्टर 28 to 40 days मेरी ऑयली स्किन बैलेंस हो गई, ग्लो भी आई, मेरे ओपन पोर्स रिड्यूस हो गए और मेरे एक्ने चले गए, एक्ने के मार्क्स भी चले गए, सब कुछ अच्छा हो गया। Let's talk about your makeup routine. Are you like a heavy makeup user? Are you a light makeup user? And so that if other, I am not a heavy makeup user. I just lightly do my makeup. और उसके लिए भी मेरे पास skin tint भी है। So everyday routine इसी से ही काम चल जाता है मेरा। ठीक है। स्किन टिंट लगाया, लिपस्टिक लगा ली या फिर लिप एंड चीक टिंट लगा लिया, कुछ भी। ओके, स्किन टिंट के बारे में जरा बताएंगे कि आपने इसको कितनी देर पहले से यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने से पहले आपकी क्या इशू था मेनली, और आप इस प्रोडक्ट के साथ लॉयल हैं, क्यों हैं, क्या इशू सॉल्व कर रहा है ये आपके लिए? ये एक नो मेकअप ग्लो देता है और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, डे टाइम के लिए परफेक्ट है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। वैसे ये मेरी मम्मी बहुत यूज करती है, उनको बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा, उनके थोड़े से फ्रेकल्स हैं और इससे ठीक हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं लगाया है, आपकी स्किन एकदम ग्लो कर रही है, तो उनको, उनका फेवरेट है ये। थैंक यू। एंड व्हाट अबाउट लिप एंड चीक टिंट, उसका क्या है मतलब, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? ये इसमें मैं ये पसंद करती हूँ कि ये टिंट भी है, इसे फुल कवरेज करना है तो फुल कवरेज भी कर लेते हैं लिप्स पे, और ब्लश का भी काम कर जाता है, तो ऑल इन वन प्रोडक्ट है, अच्छा लगता है, कुछ भी लॉन्च होता है मुझे सब पसंद है, कोई इशू है नहीं। थैंक्स इना, आपकी अच्छी बातें तो बहुत हो गई, अब थोड़ा हमें ये बताइए कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर दोस थिंग्स अबाउट अस दैट यू डोंट लाइक व्हिच शुड बी इम्प्रूव्ड, ऐसा भी होगा डेफिनेटली। मुझे एसएच कोई इशू तो नहीं है प्रोडक्ट्स रिलेटेड, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे आप ये अपना क्राउड सोर्सिंग कर रहे हो, इसको कंटिन्यू रखें, जिस तरह आप कस्टमर से इंटरेक्शन करते हो इसको भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि कस्टमर्स ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मैंने अपनी एक फ्रेंड को रेकमेंड किया, वो भी आपकी अब लॉयल कस्टमर है, मैंने उसको सैम्पल प्रोडक्ट्स दिए थे, जैसे मुझे 3 samples मिलते थे अपने ऑर्डर पे, तो मैं एक आध उसको दे देती थी, उसे बहुत अच्छे लगे वो चीजें, उसने अपना खुद से ऑर्डर करना शुरू किया, तो ये एक अच्छी अप्रोच है, इसे कंटिन्यू रखें। श्योर मैम। एंड व्हाट इज द, व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट्स यू वुड लाइक टू सी अस लॉन्च? आई वुड लाइक टू सी काजल इन फ्यूचर, ओके, इन नेचुरल थिंग एंड परफ्यूम, ओके, राइट नाउ तो यही दो हैं प्रोडक्ट्स, और मे बी एक रोज रेंज का फेस वॉश, आप अपनी रोज वाली रेंज को एक्सपैंड करें, मुझे पता है लेटेस्ट आपका बॉडी स्क्रब आ चुका है, वो भी मुझे लेना है,
रोज रेंज आपकी बहुत अच्छी है, मेरे पास सोप्स भी हैं, कोकोनट एंड दिस वन वाइल्ड इंडियन रोज। ओके ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट योर काजल, डू यू वांट इट टू बी शार्पनेबल, डू यू वांट इट टू बी रिट्रैक्टेबल? हाँ जी हाँ जी, काजल रिट्रैक्टेबल अच्छा रहेगा। और क्या चाहिए उसमें, लॉन्ग लास्टिंग, स्मज प्रूफ, वो सब? नहीं भी होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट इट शुड बी नेचुरल, वही कंसर्न है, जो आईज को पिंच ना करे। कईयों की आईज बहुत सेंसिटिव होती है, मेरी आईज सेंसिटिव है, मुझे कुछ ब्रांड के काजल सूट नहीं करते। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। और परफ्यूम्स में यू वांट लाइक देम टू बी लाइक स्प्रे बॉटल्स, स्प्रे परफ्यूम्स, राइट? यस बॉडी मिस्ट्स एंड ऑल। यस got it great yaar, so what's your skin type? Oily. If you had to give some skincare advice to oily skinned people, what would that be? मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप सब भी किम सुकादी ऑयल लगाएं, समर्स में मुलेठी जेल के साथ एंड विंटर्स में आप अफेयर क्रीम के साथ, 28 टू 40 डेज में आपकी ऑयली स्किन बैलेंस हो जाएगी, यही एक एडवाइस है। ठीक है हिना, थैंक यू वेरी मच। आपको कभी चांस लगेगा, यू आर इन द सेम सिटी, वी वुड डेफिनेटली लाइक टू मीट यू और इनवाइट यू टू आवर ऑफिस एज वेल, यू कैन मीट द टीम आल्सो, इट विल बी रियली गुड फॉर अस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हिना, एंड लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट। वेलकम सर, थैंक यू, बाय बाय।